हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपीएससी वीर प्रशांत। जैसा कि पढ़ने हम जा रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं, और थोड़ा नोट डाउन करना था, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट था मैसेज, उसी को नोट डाउन करना है और इसको नोट डाउन कर लें। जैसे कि कुछ अप्रूव के बारे में था, अबाउट अस कुछ थोड़ा बहुत था, करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण लेख उसको बोलते हैं, उसमें कुछ जानकारियाँ थी उसको नोट डाउन करना था, जैसे कि आप देख रहे हैं। और क्या आपको बताने वाला था मैं, आप जैसे कि इस टाइम जो भी बुक अच्छी हो यूपीएससी के लिए उसको आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में, आप ज़रूर बताएं मेरे को। मैं नोट डाउन कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत जानकारियाँ हैं उसको नोट कर रहा हूँ। नोट डाउन करने के बाद मैं करेंट अफेयर पढ़ूँगा, क्योंकि बिग डाटा तकनीकी और महिलाओं के डाटा सुरक्षा का प्रश्न के बारे में पढ़ूँगा। बिग डाटा क्या है इसके बारे में पढ़ूँगा। तो आप लोग जानते हैं कि बिग डाटा छोटी छोटी सूचनाओं का विशाल स्तर पर संग्रहण किया जाता है। ये सूचनाएँ स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर अथवा सेमी स्ट्रक्चर स्वरूप में होती है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। और 90% ये सटीकता में अनुमान लगाया जा रहा है, जा सकता है इसके बीच, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो। इसकी वैरायटी कई प्रकार की होती है। डाटा सुरक्षा का प्रश्न भी इसमें दिया हुआ है, इसको हमको पढ़ना है, इसको अच्छे से जानकारी को कलेक्ट करके और फिर आप लोग को वीडियो में अच्छे से मैं इसको मतलब एक्सप्लेन करूँगा। बिग डाटा की अन्य चुनौतियाँ भी होती है, इसमें कई तरह की चुनौती होती है। डाटा की सुरक्षा तथा डाटा को लेकर भेदभाव भी होता है इसमें, निजी सूचना भी होती है मूल रूप से, लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे बिग डाटा पे बात हो रही थी, तो महिलाओं के डाटा सुरक्षा की विशेष जानकारी इसमें दी गई है। जैसे सामाजिक लैंगिक संवेदनशीलता के आधार पर देखा जाए तो महिलाओं का डाटा सुरक्षा अति जरूरी होता है, पुरुषों की तुलना में महत्वपूर्ण मालूम होती है। उदाहरण के तौर पे जब कोई महिला किसी सोशल मीडिया साइट पर अपनी फ़ोटो साझा करती है तो महिलाओं के संदर्भ में इस बात पर अधिक संभावना होती है कि फ़ोटो डाउनलोड कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर कोई उसका दूषित उपयोग ना करे या कोई गलत काम ना करे, ब्लैकमेल कभी ना करे, अथवा इसलिए उसको क्या बोलते हैं वो कुछ ऐसा लगाया जाता है ना उस पर, प्रूफिंग टाइप का होता है। तो ऐसे ही मतलब विशेष सुरक्षा दी जाती है उसमें सोशल मीडिया में, जहाँ पे नहीं है उसके लिए तो मान लीजिए वो ख़त्म ही। और आगे की जो राह होती है वो तो वर्तमान में देख ही रहे हैं। जैसे कि महिलाओं के डाटा सोशल में सामाजिक, जब कोई महिला किसी दुकान पर कोई सामान खरीदती है तो उस दौरान उसके कार्ड का डिटेल और क्या खरीद रही है आदि संबंधित जानकारी विषय में जाना जा सकता है, जो कि संबंधित महिला का स्वास्थ्य, उसकी नापसंद पसंद, उसकी वास्तविक समय की अवस्थि आदि विषय की सूचना उपलब्ध कराती है, जो कि महिला की सुरक्षा लिहाजा में खतरनाक साबित हो सकती है। महिलाओं का स्वास्थ्य ऐप के व्यक्तिगत डाटा के अन पहचान और प्रजनन संबंधी जोखिम हो सकता है। आज चुनौतियां तो आप जानते ही होंगे। बिग डाटा दुरुपयोग लेकर मूल रूप से तीन प्रकार की चिंताएँ सामने आती है, डाटा का निजता, डाटा की सुरक्षा, डाटा को लेकर भेदभाव। आप लोग को इसके बारे में पता ही होगा। अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा और अगले वीडियो में हम आपसे किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे लेसन पे।